Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. अब कहाँ भागोगे? देखो, देखो, चारों ओर से तुम घिर चुके हो। माया चाल बिछाने में तुम्हें बहुत आनंद आता है ना इंद्रदेव? अपने राजभवन में तुम बहुत मायावी क्रीड़ा कर रहे थे ना? मैंने तुम पर दया दिखाकर तुम्हें स्तंभन से मुक्त किया, परंतु अब तुम्हें ऐसा स्तंभित करूंगा कि तुम इसके बाद कोई माया नहीं कर पाओगे, कोई नहीं। स्तंभ वायुदेव, देवराज इंद्र, शक्तिशाली, वार करो मुझ पर, वार करो देवराज। क्या हुआ इंद्रदेव, क्या हुआ वायुदेव, आप तो हिल ही नहीं पा रहे हैं। ओ, इन दोनों को मैंने स्तंभित जो किया है। बहुत हुआ छुपा छुपी का खेल, अब देखता हूँ अन्य देवता कहाँ गए। अब तो ये असुर हमारे पीछे ही आने वाला है, जो उचित नहीं है। संकट तो बढ़ता ही जा रहा है। मारा शुंभ, देखिए अन्य देवता वो रहे। शुंभ ने हमें देख लिया है, अब हमारा यहाँ से भाग निकलना ही उचित होगा। धूम्रलोचन, इन्हें राजभवन में बंदी बना कर ले आओ, और निशुंभ, अन्य सभी देवताओं को मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज शुंभ। सैनिकों, चलो। देवताओं को तो हम बंदी बना ही लेंगे, परंतु अमृत और देवियां कहाँ हैं? ये तो ज्ञात करना शेष है, ये अवश्य ज्ञात करेंगे। उसके लिए किसी भी उपाय का प्रयोग क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। धूम्रलोचन। शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को पुनः बंदी बना लिया, हमें उनको मुक्त कराना होगा। चलिए। नहीं सूर्यदेव, अभी यदि हम वापस लौटे तो शुंभ हम सभी को स्तंभित कर देगा। वो देखिए, वो अपने असुर सैनिकों को हमारी ओर भेज चुका है। हमें यहाँ से भागकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद हमें कुमार कार्तिकेय और विघ्नहर्ता गणेश जी की सहायता की आवश्यकता है। चलिए सूर्यदेव, शीघ्रता करिए। पकड़ो इन सभी को, कोई देवता बचकर जा ना सके यहाँ से। इन्हें अपने अस्त्रों से आहत करो, जीवित बच जाए तो बंदी बनाकर महाराज शुंभ के समक्ष प्रस्तुत करो। Ha 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 ha
कांड रुक कैसे गए? कुमार कार्तिकेय, अब हम सुरक्षित हैं। गणेश, देवताओं को अपने साथ ले जाओ और इन 10 असुर सैनिकों को मुझ पर छोड़ दो। गणेश जी कहाँ हैं? गणेश जी भी आए किंतु वो दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? मैं यही हूँ सूर्यदेव। देवगण, आप सभी मेरे साथ चलिए और तब तक भैया इन असुरों को उचित पाठ पढ़ाएंगे। गणेश जी, हम भागकर आपके पास ही आने का प्रयास कर रहे थे। हमारे स्वर्ग लौटने से यहाँ तक के अंतराल में बहुत कुछ घटित हो चुका है। हम किसी सुरक्षित स्थान पर चलते हैं, फिर हम विस्तार से आपको सारी घटना बताएंगे। भैया और मुझे तो पूर्व से ही ज्ञात था कि शुंभ निशुंभ अधिक समय तक शांत नहीं रहेंगे। आप उचित कहते हैं सूर्यदेव, किंतु सर्वप्रथम हमें आप सभी को सुरक्षित करना चाहिए। आप लोग चलिए मेरे साथ, आप सभी मूषक जी पर आरूढ़ हो जाइए। मैं तो प्रभु का ही भार नहीं उठा पाता हूँ, अब शेष देवता भी मुझ पर आरूढ़ होंगे। जब मूषक संसार की भलाई के लिए मुझे कितना कष्ट झेलना पड़ता है। असुरों की चिंता मत कीजिए सूर्यदेव, भैया इनसे निपट लेंगे। आइए, आप आगे बैठिए। हाँ। चलिए वरुण देव। मैं पहले बैठ जाता हूँ। अरे अरे सूर्यदेव, मैं सूर्यदेव, मैंने कहा था आपका आर बहुत अच्छा दिखे। देखिए ये क्या कर रहे हैं आप? देखा, मैंने कहा था आपसे, आप पीछे बैठिए वरुण देव। ऐसा करिए, मैं भी हूँ सूर्यदेव। अरे प्रयास करने दीजिए, मैं बैठता हूँ। अच्छा सूर्यदेव, आप मैं शांत हो रहिए, मैं आगे पूछ रहा हूँ। मैं प्रयास। अरे फरुखे, नहीं, आप कोशिश करें। अच्छा चलिए मूषक जी। क्या हुआ गणेश, तुम अभी तक यहीं क्यों? सूर्यदेव, अग्निदेव, आप दोनों मेरे साथ आइए। गणेश, तुम वरुण देव को अपने साथ ले जाओ। भगवान आपका भला करे कुमार कार्तिकेय जी। स्तंभित होने के कारण अपार कष्ट में हूं मैं और कुछ भी करने में असमर्थ हूं। इंद्रदेव नहीं, मित्र देवराज, इतना कष्ट सहने का क्या लाभ इंद्रदेव? तुमने मुझे प्रताड़ित करने के लिए विवश कर दिया है। दो प्रश्नों का उत्तर मांग रहा हूं। प्रथम, अमृत कहाँ है? और द्वितीय, कहाँ छुपी हुई हैं देवियां? इन दो प्रश्नों का उत्तर दो और बस मुक्त हो जाओ मेरी असहनीय पीड़ा से।
निर्दयी नहीं हूं मैं इंद्रदेव, कदापि नहीं। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें प्रताड़ित करूं, तुम्हें और वायुदेव को। किंतु तुम्हारा मौन व्रत मुझे निर्दयता के लिए बाध्य कर रहा है, और कितना सहूंगा मैं, मेरी भी सहन शक्ति की कोई सीमा है ना। चलो, एक बालक की तरह हट मत करो, बता दो कहाँ है अमृत, और मुक्त हो जाओ इस बंधन से। कभी ना कभी तुम इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दोगे इंद्रदेव, हमारी शक्ति के समक्ष तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। त्राता शुंभ, देखिए इंद्रदेव के अभी कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए कैसे अपना शीश हिलाकर आपके प्रस्ताव का स्वीकार करने का तो साहस कर रहा है ये। तब तो मैं विवश हूँ इंद्रदेव, तुम्हें और पीड़ा देने के लिए। प्रणाम पिताश्री। तो शुंभ ने इंद्रदेव और वायुदेव को बंदी बना लिया है। मुझे ज्ञात था कि वो शुंभ स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए पुनः आएगा, किंतु इस बार वो अपनी दुष्टता की सारी सीमाएं लांघ चुका है। भैया, शुंभ और उसकी सेना को पराजित करने के लिए हमें एक सशक्त योजना बनानी होगी, किंतु इससे पूर्व कि असुर हमारे लिए कोई संकट उत्पन्न करें, हमें इंद्रदेव और वायुदेव को तत्काल रक्षित करना होगा। असुर यहाँ तक पहुँच गए। इस असुर आक्रमण का आभास तो मुझे भी नहीं था भैया। देवताओं का पीछा करते करते ये असुर यहाँ कैलाश तक पहुँच गए। इन असुरों का दुस्साहस बढ़ता ही जा रहा है, अब इन्हें उचित पाठ पढ़ाना ही होगा। कदाचित इन असुरों को ज्ञात नहीं, जहाँ वो आक्रमण कर रहे हैं वही पिताश्री ध्यान भी कर रहे हैं, और यदि उनके ध्यान में विघ्न आया तो इसका परिणाम बहुत ही भयंकर होगा। इन असुरों में से कोई शेष नहीं रहेगा, इन सभी की चिता यही, इसे शमशान में सज्जित करूंगा मैं। नहीं भैया, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं गणेश, इन असुरों का अंत करने से क्यों रोक रहे हो तुम मुझे? क्योंकि भैया, यदि ये असुर इस शमशान तक पहुंच गए तो यहाँ जो कोलाहल होगा उससे पिताश्री का ध्यान भंग हो सकता है, और ऐसा हुआ तो इस असुर सेना को यहाँ पाकर यदि पिताश्री का क्रोध अपने चरम पर पहुँच गया और उनका तीसरा नेत्र खुल गया तो ऐसा विनाश होगा जिससे सृष्टि संकट में पड़ जाएगी भैया, और सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हाँ गणेश, तुम सर्वथा उचित कह रहे हो। पिताश्री के ध्यान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। नंदे जी, सूर्यदेव, वरुण देव, अग्निदेव, आप सभी यहां ऋषि मार्कंडेय के साथ रुकिए,
मैं और गणेश आगे बढ़कर उन असुरों को यहां पहुंचने से रोकते हैं। जी कुमार कार्तिकेय। और यदि कोई असुर दोनों महादेव पुत्रों से बचकर आगे बढ़ने में सफल भी हुआ तो उसे महादेव के निकट पहुंचने से मैं रोकूंगा। अग्निदेव, वरुण देव, प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय युद्ध करने के लिए आगे जा रहे हैं, किंतु आवश्यकता पड़ी तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। इन असुरों का सामना करेंगे हम, उचित पाठ पढ़ाएंगे इन्हें। चलो भ्राता गणेश। जी भैया। हाँ गणेश, यही उचित होगा। यदि आगे ही नहीं बढ़ सकेंगे तो पिताश्री के ध्यान के खंडित होने की भी संभावना समाप्त हो जाएगी। हाँ भैया। ये क्या, गणेश जी और कार्तिकेय जी के बाण लक्ष्य से चूक गए? किंतु ऐसा तो पूर्व में आज तक नहीं हुआ। इन्हें तो अपने बाणों से लक्ष्य साधना भी नहीं आता। हम पर प्रहार करने के स्थान पर इनके बाण धरती में आ धसे। इन दुर्बल देवताओं से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ो, नष्ट भ्रष्ट कर दो इन देवताओं को। असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की, असुर महानायक शुंभ की। ये क्या हो गया? ये धरती तो दो भागों में बट गई है। हम नीचे गिर रहे हैं, बचाओ। ये कैसा संकट है, हम नीचे गिर रहे हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी और कुमार कार्तिकेय ने इस समस्या का समाधान कर दिया। हाँ सूर्यदेव, अब यह असुर सेना यहाँ पहुंचने में असमर्थ हो गई है, और इसलिए महादेव के ध्यान में अब कोई भी व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। चल किया इन देवताओं ने, यहाँ धरती को ही दो भागों में बांट दिया। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? भैया, अब तो ये असुर सेना वहीं रुकने पर विवश हो गई। यही उचित अवसर है भैया, हमें स्वर्गलोक जाकर तत्काल इंद्रदेव और वायुदेव को मुक्त कराना चाहिए। उचित है गणेश। कुमार कार्तिकेय, प्रथम पूज्य गणेश जी, अब आप निश्चिंत रहिए, अब इन दुष्टों को हम संभाल लेंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे ना। चलिए भैया, हमें शीघ्र स्वर्ग पहुंचना चाहिए। स्वर्गाधिपति शुंभ की सेना इन तुच्छ बाधाओं से रुकने वाली नहीं है। मैं अभी इस बाधा को पार करता हूं। देवताओं, अब मुझसे तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? आश्चर्य, ये दुष्ट तो एक ही छलांग में यहाँ पहुंच गए। <या! laughs>
आसीन बाधाओं को मिटा देंगे। असुर महानायक के आदेश का पालन करेंगे। देवताओं को बंदी बनाएंगे। सावधान देवताओं, असुर सेना की शक्ति का सामना करेंगे। गणेश इन्हें रोकने का कोई अन्य उपाय करना होगा हमें। हाँ भैया, कदाचित इनकी शक्ति को हम कम आग बैठे थे, किंतु हम इन्हें शमशान तक कदापि नहीं पहुँचने देंगे। एक ओर यहाँ असुर आक्रमण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इंद्रदेव और वायुदेव भी संकट में घिरे हैं। मुझे कोई ऐसी युक्ति ढूंढनी होगी जिससे कैलाश, इंद्रदेव और वायुदेव तीनों की रक्षा कर सकूं। धैर्यवान व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते, अपितु उसके समाधान का मार्ग ढूंढते हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।